हेलो एवरीवन, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। यूजिंग ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी ही है एक्चुअल में। फाइंड फर्स्ट क्या है 7th का फर्स्ट पार्ट में, 51 का स्क्वेयर माइनस 49 स्क्वेयर। मतलब ये आइडेंटिटी का यूज़ करके आपको इनके आंसर्स बताने हैं। मतलब ऐसा नहीं करना आपने 51 का स्क्वेयर निकालोगे, फिर 49 का स्क्वेयर निकालोगे, फिर उसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, नहीं ऐसा नहीं। आइडेंटिटी उसने बताई दी है कि आपको यूजिंग दिस आइडेंटिटी फाइंड दिस वैल्यूज़। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखो जरा। अगर मैं 7th के ये फर्स्ट पार्ट की बात करें हम, क्या है 51 का स्क्वेयर माइनस 49 का स्क्वेयर। तो उसने आइडेंटिटी कौन सी बोली आपको, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ठीक है, ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर। अब यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी हमें लिखना है। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा प्रीवियस जो क्वेश्चन है उनमें ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में दिया होता था हमें, और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के लिए हमें आंसर निकालना होता था। यहाँ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर में गिवन है, और ए प्लस बी ए माइनस बी करके हम उसको आंसर में निकाल देंगे। ठीक है, तो ए देखो कितना है यहाँ पर हमारे पास, 51 माइनस, या ये जो प्लस वाला है पहले प्लस ले लेते हैं, प्लस 49, एंड अगले अगेन क्या है ए माइनस बी, 51 माइनस 49। क्योंकि यहाँ पर ए देखो ना क्या है 51 और बी था 49, तो बस ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब 51 प्लस 49, 51 माइनस 49। नाउ 51 प्लस 49 कितना होता है 100, एंड 51 माइनस 49 कितना होगा 2। तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, 200 इज द आंसर। तो ये आइडेंटिटी की हेल्प से क्या हो गया, बड़ा इजीली हमारा आंसर निकल गया यहाँ से, है कि नहीं। देखो ना 51 प्लस 49 100 होता है, और 51 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 इंटू 100 200। क्लियर, ओके, थैंक यू।